राजस्थान के कोटा में बवाल का धुआं उठने लगा है। यहां अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में एक शिवलिंग को खंडित कर दिया है। सरकारी कुआं चौराहा स्थित शिव मंदिर का ये मामला है। शिवलिंग को खंडित करने की सूचना के बाद यहां जब से लोगों में फैली है तब से लोगों में आक्रोश। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की यहां पर तलाश की जा रही है। रामगंज मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर बदमाशों को पकड़ने के लिए मांग उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। रामगंज मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए 2 घंटों में आरोपियों को पकड़ने की चेतावनी दी है। हनीता, रामगंज मंडी क्षेत्र आज बंद रखा जाएगा, ऐसी भी सूचना है। तो रामगंज मंडी भी पूर्णतया पूरा व्यवसाय धान मंडी सब कुछ बंद रहेगा। उसके उपरांत भी प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज रोड पे आ जाएगा पूर्णतया। और मैं आप सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, मन में एक विचार कोंदना चाहिए। आज यहाँ हुआ है, कल यही हमारे देवस्थानों में अंदर घुसते होगा। क्या हमारे देवस्थानों को अपमानित करने के लिए, हम अपने आप को लज्जित करने के लिए जीवन जी रहे हैं क्या? और अगर नहीं जी रहे तो अंदर एक आग पाल के बैठे हो आप लोग। तब तक होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा? अब अपने को सोच के रखना पड़ेगा क्योंकि अव्यवस्थाएं हो रही है। मैं पिछले 4 साल से प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ इस चीज के लिए, पिछले 4 साल से, और 4 मेरे पास प्रमाणिक आधार पर जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसकी कॉपियां हैं। आज तक मैंने कई बार बोला है, यहाँ कुछ असामाजिक तत्व बैठते हैं, क्या खाके आते हैं, क्या पीके आते हैं, अरे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा देवस्थान, हम लघु शंका भी करते हैं ना तो हाथ धोके या पूरा स्नान करके हमारे देवस्थान को छूटे हैं। या कौन लोग आते हैं, क्या बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, हमने कई बार कहा, पर प्रशासन की आज तक एक जू नहीं रंगी है। अभी 1 महीने पहले मैंने ज्ञापन में इस चीज का अवगत कराया हुआ है, पर नहीं, कोई जू नहीं रंगती है। तो क्यों नहीं रंगती है? इसलिए क्यों हम सोए हुए हैं। अरे हमारी निंद्रा को और इस चीज निंद्रा को बाहर आ जाइए, ये वक्त है। और इस वक्त में भी आप लोग बाहर नहीं आ पाए ना तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं आग्रह करता हूँ सभी सनातनियों से, आप लोग तटस्थ है ना, जो यहाँ से कहा उसके लिए प्रमाणिक होना। तो अभी जो भी उचित अधिकारी है उसको हम ये ज्ञापन देंगे, इसमें 2 घंटे का समय दिया हुआ है, 2 घंटे में अगर कठोर कार्यवाही नहीं होती है, जो भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से रामगंज मंडी बंद रखेंगे। और उसके बाद भी अगर कठोर कार्यवाही नहीं होती है तो हम सब रोड पे ही रहेंगे। या लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी ले ले, खड़े रह जाएं कि कोई घटना नहीं हो, या जिस बदमाश ने ये किया उसको हम सर्च करें, उसको हम ढूंढे। अब ये सब आपके हाथ में, मेरा तो आपसे यही निवेदन है, एक निवेदन कर सकता हूँ, मानना नहीं मानना आप लोगों के बस की बात है, आपका जो भी है, आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। ये जो धरना प्रदर्शन है ये अस्थायी रूप से इसको उठा दीजिए, नहीं तो हम और मैं और आपके साथ यहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और इस जगह को थोड़ा खाली करिए तो हम इसको सर्च कर सकें। हमें मौका दीजिए थोड़ा सा इसकी तफ्तीश करने का, मुलजिमों को ढूंढने का, बाकी आपका मन है। देखो मेरा तो एक विनती है, मानना नहीं मानना, देखो पब्लिक का राज है, जनता का राज है, आप लोगों का अधिकार है। जी रात को ताजी निकले थे यहाँ से, तो उसके बाद से असामाजिक तत्व यहाँ पे घूम रहे थे। पहले भी प्रशासन को चेता दिया गया था कि यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं। मंदिर हमारा बहुत पुराना है, यहाँ पे बहुत समय से पूजा होती आ रही है, अनुष्ठान होते आ रहे हैं, हर शिवरात्रि को हम यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। उसके बाद भी आज ये घटना हुई कि शिवलिंग को तोड़ दिया गया है और वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, इससे पूरे हिंदू समाज में रोष है, पूरे सनातन समाज में रोष है। जब तक प्रशासन उन कातिलों को पकड़ नहीं लेगी, उन दोषियों को पकड़ नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमने प्रशासन को 2 घंटे का समय दिया है, 2 घंटे के अंदर अगर वो उनको पकड़ के नहीं लाती है तो आज पूरी रामगंज मंडी बंद रहेगी और जो भी विपरीत परिणाम रहेंगे उसका भोगी स्वयं पुलिस प्रशासन रहेगा।